अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद अरसलान। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं फ्रेंड्स? आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ऐड पीडीएफ फाइल इन ब्लॉगर वेबसाइट, हाउ वी विल गेट द लिंक ऑफ एनी इमेज एंड कन्वर्ट इट टू पीडीएफ फाइल। आज की इस वीडियो में हम इन दो क्वेश्चन पर बात करेंगे कि आप लोग किस तरह पीडीएफ फाइल को अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी तस्वीर का, किसी भी इमेज का आप लोग लिंक किस तरह हासिल कर सकते हैं, और उस लिंक को पीडीएफ लिंक में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए तो आप लोगों ने आज की वीडियो जरूर देखनी है, एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आप लोगों ने सिंपली गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आपने गूगल ड्राइव सर्च करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, हमारे सामने गूगल ड्राइव ओपन हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने गो ड्राइव पर क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने न्यू पर क्लिक करना है और अपना जो है वो फाइल अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में आपने जो भी इमेज, जो भी तस्वीर रखी हुई है, आप लोगों ने उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मैंने कौन सा अपनी जो है वो इमेज रखा हुआ है, सिलेक्ट करना है। तो ये देखें, मेरे पास जो है वो माई पिक्चर में ये मेरा इमेज है, टेक एंड एम्प्लॉयमेंट का, मेरे चैनल के नाम से। मैं इसे यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर नीचे ये लोड हो रहा है और ये लोड हो चुका है। सिंपली यहाँ पर आपने जो है वो क्लिक करना है और ये आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप लोग इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर कॉपी लिंक के ऑप्शन दे रहा है। आप लोगों ने सिंपली इसे जो है वो कॉपी कर लेना है। अब यहाँ तक तो हमारा ये है, किसी भी इमेज का लिंक कॉपी करना हमने सीख लिया। ये ऐसे हम लोग किसी भी इमेज का, किसी भी तस्वीर का, एड का लिंक हम कॉपी कर सकते हैं और इसे किसी भी जगह पर अपना किसी भी ब्राउजर में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और सॉरी, ये डाउनलोड मोड में यही ये ओपन होगा, किसी भी अपना जो है ब्राउजर में ही डाउनलोड मोड में ओपन होगा। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं हम इस लिंक को हम किस तरह पीडीएफ लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास एक लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक अवेलेबल फ्रेंड्स, ये कोड है। इसमें आप लोगों ने वो इमेज का लिंक जो आप लोगों ने पेस्ट करना है, किस तरह पेस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने सिंपली वो लिंक जो आपने इमेज का कॉपी किया, आपने सिंपली उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ये लिंक आप लोगों ने इस जो है वो कोड में पेस्ट करना है। वो किस तरह पेस्ट करना है आप लोगों ने ये देखें, HTTP से लेकर ये जो है वो कोड है, लिंक आप लोगों ने कॉपी करना है और ये तकरीबन आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो ऑब्लिक से पहले पहले व्यू ऑब्लिक से पहले तक आप लोगों ने इसे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर HTTP से टू डॉट से पहले आप लोगों ने ये HTTP से शुरू करना है और इसे अपना जो है आप लोगों ने प्रीव्यू ऑब्लिक से पहले पहले आप लोगों ने इसे यहाँ तक जो है उसे डिलीट करना है। और ये लिंक आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है पहले ही, इसे यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। जी तो ऐसे आप लोगों ने ये कोड अपना जो है वो चेंज कर देना है, लिंक को इस कोड में आप लोगों ने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसे यहाँ पर जो है वो अपना कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके आप लोगों ने इसे कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी हो जाएगा ये, तो आपने अपनी वेबसाइट ब्लॉगर वेबसाइट पे चले जाना है। तो हम न्यू विंडो में आ जाते हैं, यहाँ पर अपना ब्लॉगर अकाउंट ओपन कर लेते हैं, न्यू पोस्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइटल दे देता हूँ और उसके बाद आप लोगों ने सिंपली जो है वो HTL व्यू में चले जाना है। HTL व्यू में जाने के बाद आप लोगों ने सिंपली लास्ट पे आ जाना है और यहाँ पर वो जो आप लोगों ने कोड कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देना है। जी तो पेस्ट करने के बाद हम लोग सिंपली इसे जो है वो वापस अपने कंपोज व्यू में ले आएंगे और ये हमारा जो है वो कोड पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली हम पब्लिश करेंगे और देखते हैं कि हमारा ये पीडीएफ की शक्ल में वो लिंक कन्वर्ट होकर अपना हमारी ब्लॉगर वेबसाइट में लग चुका है। कंफर्म कर देंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें आपके सामने अपना जो है वो पीडीएफ की शक्ल में जो है हमारा वो इमेज है, वो लिंक है, वो हमारे ब्लॉगर वेबसाइट में ऐड हो चुका है। सो सिंपली आप लोग किसी भी इमेज का जो है लिंक इस तरह अपना क्रिएट कर सकते हैं। लिंक क्रिएट करने के बाद आप लोग उसे पीडीएफ फाइल में अपना कन्वर्ट करके इस तरह अपना वो पीडीएफ फाइल को अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।